नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी बार्फ साइजिंग मशीन होती है या यार्न साइजिंग मशीन होती है तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और उसकी जो वर्किंग होती है वो किस प्रकार की होती है, मतलब हमारी साइजिंग मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं सारा आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों एक बात और कहूंगा मैं आपसे कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी बात क्लियर होगी, मतलब सारा टॉपिक क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, आज की डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ साइजिंग मशीन, मतलब हमारी साइजिंग मशीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है और उसकी वर्किंग किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखिए, द कॉमन पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ साइजिंग मशीन आर गिवन बिलो। अब दोस्तों ये जो हमारी साइजिंग मशीन है इसको हमने कुछ पार्टों में डिवाइड कर दिया है, इससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम पार्ट वाइज आपको फंक्शन भी बताते जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर भी बताते जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। और हमने इसको सीरियल में लिया हुआ है कि बैक साइड से यहाँ से बीम लोड किया जाता है और फिर हम हेडर स्टॉक की तरफ चलते हैं, तो आपको सारा समझ में आता जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला होता है क्रील, दूसरा होता है सॉ बॉक्स, तीसरा होता है लिक्विड सर्कुलेशन सिस्टम, चौथा होता है ड्राइंग यूनिट, फिर होता है आपका यार्न सेपरेटर एंड इट्स प्लेटफॉर्म, फिर हेड स्टॉक, एडजस्टेबल रीड, बीम बाइंडिंग सिस्टम, बीम प्रेसिंग सिस्टम, ड्राइव, PIV बॉक्सेस, कंट्रोल पैनल, ऑटोमेटिक स्पीड मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम, लेंथ मेजरिंग सिस्टम, स्ट्रेच कंट्रोल सिस्टम, कुकिंग यूनिट एंड लिक्विड स्टोरेज। तो दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ एक एक पार्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहला होता है आपका बार्पर्स बीम क्रील। देखिए दोस्तों, बार्पर्स बीम क्रील जो होती है वो किस प्रकार से बनी होती है और क्या फंक्शन होता है इसका, तो मैं बताता हूँ। क्रील इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ साइजिंग मशीन। दोस्तों जो क्रील होती है वो साइजिंग मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट भाग होती है। द वार्पर्स बीम आर माउंटेड ऑन द क्रील। दोस्तों ये जो क्रील होती है, बीम क्रील, इसके ऊपर हम वार्पर्स बीम को माउंट करते हैं। द नंबर ऑफ बीम माउंटिंग कैपेसिटी ऑफ क्रील डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड इन द वीवर्स बीम। दोस्तों ये जो हमारी जो बीम क्रील होती है, इसकी जो बीम माउंटिंग कैपेसिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो हम बीम बना रहे हैं, वीवर्स बीम बना रहे हैं, उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एंड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारी बीम क्रील की कैपेसिटी होती है। ईच बीम रोटेट्स इन बिटवीन टू रोलर निब्स। दोस्तों हमारा जो वार्पर्स बीम होता है वो दो रोलर्स के निब के बीच में रोटेट करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका एक रोलर यहाँ पे है और एक रोलर इसके पीछे लगा हुआ, तो इसी के ऊपर ये बीम की शाफ्ट माउंट हो जाती है, इसी के ऊपर आपका जो बीम है वो रोटेट करता है। दोस्तों अब दोस्तों देखिए आगे, द रोलर्स आर एबल टू मूव फ्रीली। अब दोस्तों ये जो रोलर होते हैं, एक ये रोलर एक जो पीछे है, ये फ्री होते हैं, मतलब इनमें कोई ड्राइव नहीं होती है, तो जब ये बीम घूमता है तभी ये रोलर, बीम के वजह से ही ये रोलर भी घूमते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर, ए ब्रेकिंग सिस्टम इज अटैच्ड विद ईच पेयर ऑफ द रोलर। दोस्तों अब इसमें एक ब्रेकिंग सिस्टम अटैच होता है सारे रोलर में। बीम टेंशन इज एडजस्टेड बाय लूजनिंग और टाइटनिंग द हैंड व्हील। दोस्तों अब ये जो हमारे बीम होते हैं इनको टेंशन देना पड़ता है, तो टेंशन देने के लिए क्या करते हैं कि ये हमारा ये हैंड व्हील है, तो हैंड व्हील को हम इसको टाइट करेंगे तो हमारे बीम का टेंशन टाइट हो जाता है, और इसको जब लूज करेंगे तो हमारे बीम का टेंशन लूज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। द अलाइनमेंट ऑफ बीम इज ऑल्सो डन बाई हेल्प ऑफ दिस हैंड व्हील। अब दोस्तों जो हमारे बीम होते हैं बीम क्रेल के ऊपर, तो उनको एक लाइन में लाते हैं, मतलब जो हमारे सारे बीम हैं बिल्कुल एक लाइन में दिखने चाहिए, यदि नहीं होते हैं वो एक लाइन में, तो हम ये जो हैंड व्हील दिया है इसको रोटेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम सारे बीम का अलाइनमेंट करने में सफल हो जाते हैं, मतलब सारे बीम को एक लाइन में ले आने में सफल हो जाते हैं। और दोस्तों द यार्न गाइडिंग रोलर्स आर फिटेड इन द क्रील विच गाइड्स द वार्प ऑफ ईच बीम। दोस्तों क्रील के अंदर यार्न गाइडिंग रोलर भी होते हैं जो कि वार्प को गाइड करते हैं। जिग जैग और वर्टिकल क्रील इज यूज्ड इन द साइजिंग मशीन।
दोस्तों इसमें क्या होता है कि जिगजैग क्रील भी यूज की जा सकती है, वर्टिकल क्रील भी यूज की जा सकती है, बट क्या होता है कि जो हमारी जिगजैग क्रील होती है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है वर्टिकल क्रील की तुलना में। तो दोस्तों अब इसके बाद आता है सॉ बॉक्स। तो दोस्तों ये पिक्चर भी देख पा रहे होंगे आप, पिक्चर के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ दिख जाएगा कि ये सॉ बॉक्स है। तो इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ द साइजिंग मशीन। दोस्तों जो हमारा सॉ बॉक्स होता है मशीन का, एक तरीके से हार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। मेनली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर साइज पिकअप परसेंटेज इन द वार ड्यूरिंग साइजिंग। दोस्तों ये जो हमारा सॉ बॉक्स होता है ये डिसाइड करता है कि हमारे यान के अंदर कितना साइज लग रहा है या कितना साइज लगाना पड़ेगा, तो उसकी जो सेटिंग होती है वो इसी से होती है। द कॉमन पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ए सॉ बॉक्स आर गिवन बिलो। दोस्तों अब हम इस जो सॉ बॉक्स है इसके कॉमन पार्ट बता रहे हैं आपको कि इस सॉ बॉक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला होता है स्टेनलेस स्टील टब। तो यहाँ पे दोस्तों ये बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये कुछ पार्ट यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला है, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का टब होता, उसी के अंदर ये सारे रोलर लगे होते हैं और इसी के अंदर टब के अंदर हमारा साइजिंग लिक्विड भरा जाता है। अब दोस्तों होता है गाइड रोलर। तो दोस्तों देखिए गाइड रोलर कहाँ पे होते हैं, तो गाइड रोलर दोस्तों ये वाला यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये जो हमारी लेयर चल रही है वाल्व की, ये गाइड रोलर है यहाँ पे। अब दोस्तों गाइड रोलर के बाद देखिए क्या होता है, अब होता है इमर्शन रोलर। अब दोस्तों इमर्शन रोलर कौन से होते हैं, एक तो आपके ये इमर्शन रोलर है, ये दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला है, ये इमर्शन रोलर है। तो दोस्तों क्या फंक्शन होता है इमर्शन रोलर का, देखिए द वार्प सीट पासेज अंडर द इमर्शन रोलर्स। दोस्तों जो हमारी वार्प सीट होती है इमर्शन रोलर के नीचे से पास होती है। टू पेयर ऑफ इमर्शन रोलर्स आर यूज्ड इन ए सॉ बॉक्स। दोस्तों हमारे सॉ बॉक्स के अंदर दो इमर्शन रोलर के पेयर प्रयोग किए जाते हैं। इमर्शन रोलर्स हेल्प टू इमर्स द वार्प सीट इनटू द साइजिंग लिक्विड। दोस्तों ये जो हमारे इमर्शन रोलर होते हैं वो वार्प सीट को साइजिंग लिक्विड में डुबोने में मदद करते हैं। द वार्प सीट फर्स्ट पासेज अंडर द वन पेयर ऑफ इमर्शन रोलर। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी वार्प सीट होती है सबसे पहले एक पेयर इमर्शन रोलर के नीचे से पास होती है, देन बिटवीन निप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड स्क्यूजिंग रोलर। इसके बाद में वो जो वार्प सीट होती है वो स्टेनलेस स्टील और स्क्यूजिंग रोलर के बीच से जाती है। नाउ वार्प सीट अगेन पासेज अंडर अदर पेयर ऑफ इमर्शन रोलर। दोस्तों इसके बाद में फिर दोबारा जो हमारी वार्प सीट स्क्यूजिंग के बाद में निकलती है वो फिर इमर्शन रोलर के नीचे से पास होती है, एंड फाइनली वार्प सीट पासेज बिटवीन निप ऑफ अदर स्टेनलेस स्टील एंड स्क्यूजिंग रोलर। दोस्तों अब इमर्शन रोलर से निकलने के बाद में फिर से हमारी जो वार्प सीट होती है वो स्टेनलेस स्टील रोलर और स्क्यूजिंग रोलर के निप से गुजरती है। स्टेनलेस स्टील रोलर, देयर आर टू स्टेनलेस स्टील रोलर्स इन सॉ बॉक्स। दोस्तों हमारे सॉ बॉक्स के अंदर दो स्टेनलेस स्टील के रोलर होते हैं, देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे हैं। तो ये तो ऊपर आपका दोस्तों स्क्यूजिंग रोलर है, एक ये है और एक ये है, और इसके नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे दिख रहा है ये आपका स्टेनलेस स्टील रोलर है। तो इसको आप फीड रोलर भी बोल सकते हैं, ये आपकी जो साइज लिक्विड होता है उसको उठाता है और आपके धागे में लगाने का काम भी करता है। इट्स फंक्शन इज टू लिफ्ट साइजिंग लिक्विड एंड टू अप्लाई इट ऑन द यार्न सरफेस। दोस्तों इसका फंक्शन मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि ये टब के अंदर से साइजिंग लिक्विड को उठाता है अपने साथ में और यार्न सरफेस के ऊपर अप्लाई करता है। व्हेन वेरी लो अमाउंट ऑफ साइज पिकअप नीडेड। दोस्तों जब हमें बहुत कम साइजिंग लिक्विड की परसेंटेज की आवश्यकता होती है यार्न में, ओनली स्टेनलेस स्टील रोलर्स आर यूज टू अप्लाई द साइजिंग लिक्विड ऑन द यार्न सरफेस। तो दोस्तों जब हमें कम साइज पिकअप की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं कि इमर्शन रोलर को हम इमर्ज नहीं करते हैं, मतलब वार्प सीट को डुबाते नहीं है साइजिंग लिक्विड में, हम सिर्फ जो हमारे स्टेनलेस स्टील रोलर हैं वो जो साइजिंग लिक्विड को लिफ्ट करते हैं वही हमारी वार्प सीट के ऊपर लगता जाता है। द यार्न इज नॉट इमर्ज इनटू द साइजिंग लिक्विड इन केस ऑफ वेरी लो साइज पिकअप। अब दोस्तों सॉ बॉक्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है स्क्यूजिंग रोलर। तो दोस्तों देखिए, व्हेन द वार्प इमर्जेज इनटू द साइजिंग लिक्विड। दोस्तों जब हमारा वार्प सीट होता है वो साइजिंग लिक्विड में इमर्ज होता है, इट हैज एक्सेस अमाउंट ऑफ साइजिंग लिक्विड विद इट। दोस्तों क्या होता है कि हमारी वार्प सीट के अंदर जरूरत से ज्यादा
जो साइजिंग लिखकर होता है वो पिकअप हो जाता है। देयर इज नीड टू एलिमिनेट दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ साइजिंग लिखकर फ्रॉम दी वर्ब। अब दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है कि जो हमारे धागे के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ साइजिंग लिखकर आ गया है उसको हम एलिमिनेट करें। द वर्ब कमिंग आउट ऑफ इमर्शन रोलर पासिस बिटवीन द निप ऑफ स्क्यूजिंग रोलर। अब दोस्तों जब हमारा जो वर्ब शीट होता है इमर्शन रोलर से निकलने के बाद में वो स्टेनलेस स्टील और स्क्यूजिंग रोलर के निप से गुजरता है विच इज माउंटेड जस्ट ओवर द स्टेनलेस स्टील रोलर। और दोस्तों जो हमारा स्क्यूजिंग रोलर होता है वो स्टेनलेस स्टील रोलर के ऊपर माउंट होता है। टू स्क्यूजिंग रोलर्स आर यूज इन ए सॉ बॉक्स। दोस्तों एक सॉ बॉक्स में दो स्क्यूजिंग रोलर प्रयोग किए जाते हैं। द स्क्यूजिंग रोलर अप्लाइज द प्रेशर ऑन द वर्ब शीट। दोस्तों जो हमारे स्क्यूजिंग रोलर होते हैं वर्ब शीट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड एलिमिनेट्स एक्सेस अमाउंट ऑफ साइजिंग लिखकर फ्रॉम इट। दोस्तों और जो स्क्यूजिंग करने के बाद में क्या होता है जब हमारे रोलर प्रेशर देते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ साइजिंग लिखकर होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब दोस्तों जो हमारा सॉ बॉक्स होता है उसके अंदर आगे देखिए क्या होता है परफोरेटेड स्टीम पाइप। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेशन बॉक्स होता है तो उसके अंदर एक परफोरेटेड स्टीम पाइप लगा होता है वो स्टीम की लाइन से कनेक्ट होता है। दिस इज माउंटेड इन द सर्कुलेशन बॉक्स ऑफ टब। तो ये टब के सर्कुलेशन बॉक्स में माउंट होता है। इट इज परफोरेटेड एंड कनेक्टेड टू द स्टीम लाइन। दोस्तों ये जो पाइप होता है परफोरेटेड होता है और स्टीम लाइन से कनेक्ट होता है। मेन फंक्शन ऑफ दिस परफोरेटेड स्टीम पाइप इज टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ साइजिंग लिक्विड इन द सॉ बॉक्स। ये जो हमारा परफोरेटेड पाइप होता है अब चूंकि इसमें स्टीम की सप्लाई हो रही है तो क्या होता है कि जो हमारा साइजिंग लिक्विड होता है उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। द स्टीम वाल्व इज फिटेड इन द स्टीम लाइन। दोस्तों जो हमारी स्टीम लाइन होती है उसमें एक वाल्व होता है विच रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सॉ बॉक्स। तो दोस्तों जो हमारे सॉ बॉक्स का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम इस स्टीम वाल्व का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आज की डेट की जो ऑटोमेटिक मशीनें आ रही हैं तो उनमें ये जो स्टीम का वाल्व होता है ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाता है। और वो कैसे होता है कि जैसे ही आपका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो अचीव होता है तो आपका स्टीम कट हो जाएगा और जैसे ही आपका जो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो डाउन जाने लगेगा तो आपका स्टीम वाल्व फिर से ऑन हो जाता है। अब दोस्तों देखिए न्यूमेटिक सिलेंडर्स। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा सॉ बॉक्स होता है उसके अंदर न्यूमेटिक सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं। द न्यूमेटिक सिलेंडर्स आर फिटेड एट द बोथ एंड ऑफ स्क्यूजिंग रोलर्स। दोस्तों जो हमारे स्क्यूजिंग रोलर्स होते हैं उनके दोनों एंड पे क्या होता है कि न्यूमेटिक सिलेंडर लगे हुए होते हैं। दीज सिलेंडर्स परफॉर्म अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ स्क्यूजिंग रोलर्स। दोस्तों ये जो सिलेंडर होते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर वो हमारे स्क्यूजिंग रोलर को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करते हैं। द स्क्यूजिंग प्रेशर इज मेंटेन्ड बाई दीज सिलेंडर्स। दोस्तों जो हमारा स्क्यूजिंग प्रेशर होता है वाल्व शीट को प्रेस करने का या स्क्यूज करने का तो ये जो हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं इनके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। द कंप्रेस्ड एयर इज सप्लाइड कंटिन्यूसली टू दीज न्यूमेटिक सिलेंडर्स। दोस्तों जो हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं वो एक एयर की लाइन से जुड़े होते हैं तो उसमें कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई की जाती है। अब दोस्तों देखिए प्रेशर गेज। ए प्रेशर गेज इज फिटेड बिटवीन द न्यूमेटिक सिलेंडर्स एंड एयर सप्लाई लाइन। दोस्तों जो एयर की सप्लाई होती है और जो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर होता है उन दोनों के बीच में एक प्रेशर गेज लगा होता है। दिस प्रेशर गेज रीड द प्रेशर ड्यूरिंग प्रोसेस। दोस्तों इस प्रेशर गेज का काम होता है कि हमें कितना प्रेशर देना है तो ये रीड करता है। प्रेशर रेगुलेटर। अब दोस्तों एन एयर प्रेशर रेगुलेटर इज यूज टू कंट्रोल द स्क्यूजिंग प्रेशर। दोस्तों क्या होता है कि हमारे सॉ बॉक्स के अंदर एक एयर प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है तो हमें कितना प्रेशर देना है उससे हम रेगुलेट कर सकते हैं। बाय रोटेटिंग द एयर रेगुलेटर वाल्व द स्क्यूजिंग कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये जो हमारा रेगुलेटर होता है एयर प्रेशर रेगुलेटर इसको हम रोटेट करके जितनी भी हमें कम चाहिए प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो वह मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में जो मशीन आ रही हैं जो मोस्ट मॉडर्न मशीनें आ रही हैं तो उनमें ये जो वाल्व होता है या जो रेगुलेटर होता है या रेगुलेटर होता है तो वो ऑटोमेटिक होता है तो आप कंप्यूटर में फीड कर देंगे तो आपका जो प्रेशर होता है सॉ बॉक्स का स्क्यूजिंग प्रेशर वो रेगुलेट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए टेम्परेचर सेंसर।
द टेम्परेचर सेंसर इज इमर्ज्ड इन द साइजिंग लिक्वर। दोस्तों साइजिंग लिक्वर में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। दिस सेंसर सेंस द लिक्वर टेम्परेचर एंड सेंड द सिग्नल टू द कंट्रोल बॉक्स। दोस्तों ये जो हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है, इसका फंक्शन होता है कि जो 100 बॉक्स का टेम्परेचर है उसको रीड करे और बैक सिग्नल भेजे अपने कंट्रोल पैनल को। लिक्वर सर्कुलेशन सिस्टम। अब दोस्तों ये जो लिक्वर सर्कुलेशन सिस्टम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मेन फंक्शन इज टू परफॉर्म द मिक्सिंग ऑफ साइजिंग लिक्वर इन द 100 बॉक्स। दोस्तों लिक्वर सर्कुलेशन सिस्टम का काम होता है कि जो हमारा साइजिंग लिक्वर है उसकी कंटिन्यूसली मिक्सिंग करता रहे एंड टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ साइजिंग लिक्वर इन द 100 बॉक्स। और दोस्तों हमारे 100 बॉक्स के अंदर कोई भी थिक लेयर ऑफ साइजिंग लिक्वर जमा ना हो तो उसको भी ये रोकता है। द सर्कुलेशन सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ ए गियर्ड फीडिंग पंप। दोस्तों सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक गियर्ड पंप होता है। दोस्तों देखिए ये गियर्ड पंप है और ये आपके ये मोटर से कनेक्ट है और पुली और बेल्ट की सहायता से इसको ड्राइव दी गई है। तो क्या होता है, व्हेन द टब ऑफ 100 बॉक्स इज फिल्ड विद साइजिंग लिक्वर, जब हम साइजिंग लिक्वर को टब में भरते हैं, इट बिगिंस टू फॉल इनटू सर्कुलेशन बॉक्स। अब दोस्तों इसमें हमारा जो सर्कुलेशन बॉक्स होता है, मैंने ऊपर आपको दिखाया हुआ है, तो उसमें साइजिंग लिक्वर गिरना चालू हो जाता है। द लिक्वर फ्रॉम हियर पासेज इनटू इनलेट ऑफ फीडिंग पंप। तो जैसे ही आपका जो साइजिंग लिक्वर है वो सर्कुलेशन बॉक्स में गिरता है तो वहां से डायरेक्ट आपके फीड पंप में आता है। द आउटलेट ऑफ पंप इज कनेक्टेड टू ए 100 बॉक्स। और दोस्तों ये जो पंप है इसका आउटलेट है वो फिर हमारे 100 बॉक्स से ऊपर जाके कनेक्ट होता है। द फीडिंग पंप कंटिन्यूसली सर्कुलेट द साइजिंग लिक्वर। दोस्तों ये जो फीडिंग पंप होता है ये अपने साइजिंग लिक्वर को कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। मतलब दोस्तों देखिए ये आपका इनलेट है तो इनलेट से ये साइजिंग लिक्वर को लेता है सर्कुलेशन बॉक्स से और लेके फिर क्या करता है, यहाँ से ये फीड पंप है ये आपको इधर को फेंकता है और ये ऊपर जाके फिर आपके साइज बॉक्स में या 100 बॉक्स में जाके गिर जाता है। अब दोस्तों देखिए ड्राइंग यूनिट। मेन फंक्शन ऑफ ड्राइंग यूनिट इज टू ड्राई द वार्प सीट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ स्क्यूजिंग रोलर्स। दोस्तों तो ड्राइंग यूनिट होती है उसका मेन फंक्शन है कि जब स्क्यूजिंग होने के बाद में जो हमारी वार्प सीट बाहर आ रही है उसको सुखाना। द टेफ्लॉन कोटेड स्टीम सिलेंडर्स आर यूज्ड इन द ड्राइंग यूनिट। दोस्तों ड्राइंग यूनिट के अंदर हम टेफ्लॉन कोटेड स्टीम सिलेंडर यूज करते हैं। द स्टीम इज सप्लाइड टू द ड्राइंग सिलेंडर्स विच हेल्प टू हीट द सिलेंडर। दोस्तों हम जो स्टीम सिलेंडर होते हैं उनको स्टीम सप्लाई करते हैं, उससे हमारे सिलेंडर हीट हो जाते हैं। व्हेन द वेट वार्प सीट पासेज ओवर द हीटेड सरफेस ऑफ ड्राइंग सिलेंडर। दोस्तों जब हमारी जो गीली वार्प सीट होती है या वेट कंडीशन वाली वार्प सीट होती है वो हीटेड ड्राइंग सिलेंडर के ऊपर से गुजरती है, द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वार्प सीट इज एवोपोरेटेड फ्रॉम इट। दोस्तों तो हीट होने के वजह से जो वार्प के धागे जो बेड थे उनमें से क्या होता है कि मॉइस्चर का एवोपरेशन हो जाता है एंड द वार्प सीट बिकम ड्राई। और दोस्तों हमारी वार्प सीट ड्राई हो जाती है। ए मैन स्टीम सप्लाई वाल्व लोकेटेड इन द मैन स्टीम लाइन कैन स्टार्ट और स्टॉप द सप्लाई ऑफ स्टीम इन होल ड्राइंग यूनिट। दोस्तों हमारी स्टीम लाइन के अंदर एक मैन वाल्व लगा होता है तो उससे आप सारे सिलेंडर्स की सप्लाई को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी मॉडर्न मशीन आ रही हैं तो उनमें ये जो आपकी सिलेंडर की जो सप्लाई होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही आपके सिलेंडर का टेम्परेचर जितना आपने फीड किया है वो अचीव होगा तो अचीव होने के बाद में आपकी जो सिलेंडर की सप्लाई होती है वो कट जाती है और जैसे ही आपका सिलेंडर का टेम्परेचर डाउन होगा तो फिर स्टीम की सप्लाई चालू हो जाती है। तो दोस्तों आज की जो मॉडर्न मशीन है उनमें बहुत सोफिस्टिकेटेड बना दिया है सिस्टम को। सम ड्राइंग सिलेंडर्स आर ड्रिवन नेगेटिवली। दोस्तों ड्राइंग सिस्टम के अंदर कुछ सिलेंडर होते हैं, ड्राइंग सिलेंडर वो नेगेटिवली ड्रिवन होते हैं। नेगेटिवली ड्रिवन का मतलब यहाँ पे है कि वो हमारे वार्प सीट के टेंशन से ही घूमते हैं। दीज सिलेंडर्स आर रिवॉल्व ड्यू टू वार्प टेंशन ओवर द सिलेंडर। द लास्ट थ्री और फोर सिलेंडर्स आर ड्रिवन पॉजिटिवली। दोस्तों जो लास्ट के
तीन या चार सिलेंडर्स होते हैं या पांच सिलेंडर्स होते हैं वो पॉजिटिवली ड्रिवन होते हैं। ये स्टीम ट्रैप इज माउंटेड ऑन ईच सिलेंडर। दोस्तों प्रत्येक ड्राइंग सिलेंडर के एंड में एक स्टीम ट्रैप लगाई जाती है विच रिलीजेज एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम प्रेशर। दोस्तों ये जो स्टीम ट्रैप होती है एक तरीके से सेफ्टी वाल्व होता है। तो क्या होता है कि यदि कभी आपके ड्राइंग सिलेंडर के अंदर ज्यादा प्रेशर आ जाए तो वो स्टीम ट्रैप खुल जाती है और आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टीम प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। द स्टीम वाल्व फिटेड विद ईच सिलेंडर रेगुलेट स्टीम प्रेशर इन द सिलेंडर। दोस्तों प्रत्येक ड्राइंग सिलेंडर के ऊपर एक स्टीम वाल्व फिटेड होता है तो उससे हम हर सिलेंडर को इंडिविजुअली स्टीम की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। द टेम्परेचर सेंसर फिटेड विद ईच सिलेंडर रीड्स द टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर एंड सेंड द सिग्नल टू द कंट्रोल पैनल। दोस्तों प्रत्येक सिलेंडर के ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर सेंसर फिटेड होते हैं तो वो हर ड्राइंग सिलेंडर का टेम्परेचर मेजर करते हैं, रीड करते हैं और उसके बाद में वो सिग्नल देते हैं बैक अपने कंट्रोल पैनल को। अब दोस्तों आता है यार्न सेपरेटर एंड इट्स प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये यार्न सेपरेटर है और इसका जो प्लेटफॉर्म है ये नीचे आपको दिख रहा है, ये प्लेटफॉर्म है और ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं और दोस्तों ये दिख रहे हैं, ये आपके यार्न सेपरेटर है। तो दोस्तों देखिए आफ्टर द ड्राइंग यूनिट ए लॉन्ग प्लेटफॉर्म इज फिटेड जस्ट बिफोर द हेड स्टॉक ऑफ द मशीन। दोस्तों ड्राइंग यूनिट के बाद में और हेड स्टॉक के पहले एक लंबा प्लेटफॉर्म फिटेड होता है और दोस्तों जो आज की मशीन आ रही हैं उनमें प्लेटफॉर्म नहीं होता है, सिर्फ साइड में सपोर्ट लगे होते हैं। द यार्न सेपरेटर ब्रैकेट्स आर माउंटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये जो यार्न सेपरेटर होते हैं तो ये ब्रैकेट में लगाए जाते हैं या फिट किए जाते हैं, तो ये सेपरेटर जो ब्रैकेट होते हैं तो ये इस प्लेटफॉर्म पर माउंट होते हैं। द यार्न सेपरेटर्स आर कैप्ड ऑन दीज ब्रैकेट्स। तो मैं बता चुका हूं आपको कि जो आपके यार्न सेपरेटर हैं वो ब्रैकेट के ऊपर रखे जाते हैं। दोस्तों ये है आपका ब्रैकेट, यार्न सेपरेटर ब्रैकेट है और ये आपका यार्न सेपरेटर है। अब दोस्तों व्हेन द ड्राई वाल्व सीट कम्स आउट फ्रॉम ड्राइंग यूनिट। दोस्तों जैसे ही आपकी जो ड्राई सीट बाहर आती है वाल्व की, द एंड्स आर स्टिक टू ईच अदर। दोस्तों वाल्व सीट के अंदर क्या होता है कि सारे एंड्स होते हैं या वाल्व के धागे होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं। द यार्न सेपरेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द वाल्व सीट इन डेफिनेट सीक्वेंस। दोस्तों वाल्व सीट के अंदर हम यार्न सेपरेटर एक डेफिनेट सीक्वेंस में डालते हैं। द नंबर ऑफ यार्न सेपरेटर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वार्पर बीम्स टू बी यूज। दोस्तों ये जो यार्न सेपरेटर होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो डिपेंड करती है कि आपने वार्पर्स बीम कितने यूज किए हैं। द नंबर ऑफ यार्न सेपरेटर इज ऑलवेज वन शॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ वार्पर्स बीम। दोस्तों हमेशा ये जो नंबर ऑफ सेपरेटर्स होते हैं उनकी संख्या एक कम होती है आपके जितने की आपने बीम यूज किए हैं। सपोज करिए आपने 20 बीम यूज किए हैं तो आपके जो यार्न सेपरेटर होंगे वो 19 आएंगे। द यार्न सेपरेटर्स आर फिक्स्ड ऑन देयर ब्रैकेट। यार्न सेपरेटर को हम उनके ब्रैकेट पर फिक्स करते हैं। द वाल्व सीट मूव्स टुवर्ड द हेड स्टॉक ऑफ मशीन। अब दोस्तों जो वाल्व सीट होती है वो टुवर्ड द हेड स्टॉक मूव करती है। दिस मूवमेंट ऑफ वाल्व सीट हेल्प टू सेपरेट द एंड फ्रॉम ईच अदर। दोस्तों ये जो मूवमेंट होता है वाल्व सीट का तो ये हेल्प करता है कि आपके जो वाल्व के धागे हैं वो एक एक करके अलग हो जाएं, मतलब कहीं पर चिपके ना रह जाएं। तो जब सेपरेटर से गुजरते हैं तो आपके धागे अलग अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों आता है हेड स्टॉक। दिस पोर्शन ऑफ मशीन इज लोकेटेड एट लास्ट ऑफ मशीन। ये बिल्कुल अंत में लगा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ड्रैग रोलर। इसमें एक ड्रैग रोलर होता है, ये एवोनाइट से भी कोटेड हो सकता है। इट ड्रैग द वाल्व सीट। दोस्तों ये आपकी वाल्व सीट को आगे की ओर खींचता है। देयर आर टू प्रेशर रोलर्स यूज्ड टू प्रोवाइड सफिशियंट ग्रिप ऑफ ड्रैग रोलर ऑन द वाल्व। दोस्तों देखिए ये है आपका नीचे का ड्रैग रोलर, तो इसके ऊपर
दो प्रेशर रोल फिटेड होते हैं, एक तो आपका ये प्रेशर रोल है और एक इसके पीछे लगा हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि आपके वार्प सीट को एक प्रेशर देते हैं जिससे कि ड्रैग रोल से आपकी वार्प सीट स्लिप ना हो। द वार्प सीट अगेन प्रेसेज ओवर अनदर प्रेशर रोल। द प्रेशर ऑफ दीज रोलर्स आर कंट्रोल्ड बाय न्यूमेटिक सिलेंडर। दोस्तों ये जो प्रेशर रोल होते हैं इनका जो प्रेशर होता है वो न्यूमेटिक सिलेंडर से कंट्रोल होता है। दीज सिलेंडर्स आल्सो हेल्प टू लिफ्ट अपवर्ड द प्रेशर रोलर्स। दोस्तों ये जो न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं ये अपने प्रेशर रोलर्स को ऊपर उठाने में मदद करते हैं। ए मेटालिक कवर इज माउंटेड ओवर द ड्रैग रोलर्स विच प्रिवेंट टू फॉल एनी फॉरेन मटेरियल बिटवीन द प्रेशर रोलर एंड ड्रैग रोलर। दोस्तों हमारा जो प्रेशर रोलर होता है दोनों उनके ऊपर एक मेटालिक कवर लगा होता है तो वो हमारे वार्प शीट के अंदर कोई भी बाहर का कोई भी मटेरियल नहीं गिरने देता है। ए प्रोटेक्शन ग्रेड इज माउंटेड जस्ट फ्रंट ऑफ ड्रैग रोलर विच प्रोटेक्ट द ऑपरेटर्स हैंड। दोस्तों हमारे जो मेटालिक कवर होता है उसके जस्ट फ्रंट में एक मेटालिक ग्रेड लगी होती है, वो एक सेफ्टी होती है एक तरीके से। उससे क्या होता है कि जो ऑपरेटर होता है उसका हैंड सेफ रहता है। अब दोस्तों एक होती है एडजस्टेबल रीड, ये भी हेडस्टॉक में होती है। दिस रीड इज माउंटेड जस्ट बिफोर द फर्स्ट प्रेशर रोलर ऑफ हेडस्टॉक। दोस्तों ये जो हमारी रीड होती है हमारे हेडस्टॉक का जो फर्स्ट प्रेशर रोलर होता है उसके जस्ट पहले होती है। दोस्तों देखिए ये है आपकी जिगजैग रीड, दिस इज ए जिगजैग रीड। इट फिक्सेस द नंबर ऑफ एंड्स पर इंच इन द वीवर्स बीम। दोस्तों ये जो हमारी जिगजैग रीड होती है ये हमारे बीम के अंदर एंड्स पर इंच फिक्स करती है। दिस इज एन एडजस्टेबल रीड। दोस्तों ये एडजस्टेबल होती है हमारी जिगजैग रीड। इट्स विड्थ कैन बी इंक्रीज्ड और रिड्यूस्ड विद इन द टॉलरेंस लिमिट। दोस्तों एक टॉलरेंस लिमिट के अंदर इस जिगजैग रीड की विड्थ को हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ए मैकेनिज्म अटैच्ड टू दिस रीड परफॉर्म्स एडजस्टिंग एक्शन ऑफ दिस रीड। दोस्तों इस जिगजैग रीड को छोटा या बड़ा करने के लिए एक मैकेनिज्म फिटेड होता है तो उसकी सहायता से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ए हैंड व्हील इज यूज्ड टू रिड्यूस और इंक्रीज द रीड विड्थ। दोस्तों रीड विड्थ को कम ज्यादा करने के लिए एक हैंड व्हील का यूज किया जाता है और जो आज की मॉडर्न मशीन होती हैं तो उनके अंदर दोस्तों क्या होता है कि मोटर की सहायता से ही हमारी जो जिगजैग रीड है वो कम हो सकती है और ज्यादा हो सकती है। विच कैन बी एडजस्टेड बाई रोटेटिंग हैंड व्हील इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोस्तों जब हम हैंड व्हील को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारी रीड की जो विड्थ है वो एडजस्ट होती है। देयर इज अनदर मैकेनिज्म अटैच्ड विद दिस रीड विच हेल्प्स टू मूव इट लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। दोस्तों रीड के साथ में एक और मैकेनिज्म अटैच्ड होता है तो उसका फंक्शन सिर्फ ये होता है कि वो पूरी की पूरी रीड को या तो लेफ्ट में ले जाता है या राइट में ले जाता है। मतलब आपको जब भी एडजस्ट करने की जरूरत पड़े कि लेफ्ट में लेना है कि राइट में लेना है रीड को तो उस मैकेनिज्म की सहायता से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए एक होता है बीम बाइंडिंग सिस्टम, ये भी हेडस्टॉक का एक पार्ट होता है। व्हेन द वार्प शीट कम्स आउट ऑफ ड्रैग रोलर, जब ड्रैग रोलर से हमारी वार्प शीट बाहर निकलती है, इट इज बाउंड ऑन द वीवर्स बीम। तो इस वार्प शीट को हम वीवर्स बीम पर बाउंड करते हैं। द पिंस ऑफ बीम अडॉप्टर्स आर इंसर्टेड इन द होल ऑफ बीम ड्राइविंग मैकेनिज्म। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारे अडॉप्टर होते हैं उनके पिन को हम इंसर्ट करते हैं बीम ड्राइविंग मैकेनिज्म के अंदर। द बीम इज ड्रिवन फ्रॉम वन साइड, जो हमारा बीम होता है वो एक साइड से ड्राइव मिलती है उसको। ए वाइंडिंग मोटर ट्रांसमिट मोशन टू ए रिडक्शन गियर बॉक्स। दोस्तों एक मोटर लगी होती है उसको हम वाइंडिंग मोटर बोलते हैं या वाइंडर मोटर बोलते हैं। तो मोटर से जो हमारी मोशन होती है वो रिडक्शन गियर बॉक्स में जाती है विच इज कनेक्टेड टू बीम ड्राइविंग शाफ्ट। दोस्तों इसके बाद में वो बीम की जो ड्राइविंग शाफ्ट होती है उससे कनेक्ट होती है। द सर्फेस स्पीड ऑफ वीवर्स बीम इज कैप्ट लिटिल हायर देन दैट ऑफ सर्फेस स्पीड ऑफ ड्रैग रोलर। दोस्तों हमेशा मशीन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ड्रैग रोलर की जो सर्फेस स्पीड होती है
उसको लिटिल वेट बहुत माइनर सा हम हायर रखते हैं ड्रैग रोलर की सरफेस स्पीड से। दिस स्पीड डिफरेंस मेंटेन द टेंशन ऑफ द वार ड्यूरिंग बीम बाइंडिंग। दोस्तों ये जो डिफरेंस होता है आपका ड्रैग रोलर और वीवर्स बीम की सरफेस स्पीड का, तो इससे क्या होता है कि आपका वार टेंशन मेंटेन होता है। अब दोस्तों देखिए, एक होता है बीम प्रेसिंग सिस्टम। देखिए क्या होता है दोस्तों बीम प्रेसिंग सिस्टम। बीम प्रेसिंग सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ प्रेशर रोलर। दोस्तों जो हमारा बीम प्रेसिंग सिस्टम होता है उसके अंदर दो रोलर्स होते हैं, टू पेयर्स ऑफ कॉनिकल रोलर्स, और इसके अंदर दो पेयर होते हैं कॉनिकल रोलर्स के, आयरन बीम होती है इसके अंदर एंड न्यूमेटिक सिलेंडर होता है इसके अंदर। द न्यूमेटिक सिलेंडर इज माउंटेड इन द ट्रेंच अंडर द वीवर्स बीम। दोस्तों ये जो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर होता है एक ट्रेंच में माउंट किया जाता है इसको, वो जस्ट अंडर आपके वीवर्स बीम होती है। द पिस्टन ऑफ द न्यूमेटिक सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द आयरन बीम। दोस्तों ये जो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर होता है इसका जो पिस्टन होता है उसको हम आयरन बीम से कनेक्ट कर देते हैं। ए पेयर ऑफ कॉनिकल रोलर्स आर फिटेड एट ईच साइड ऑफ द आयरन बीम। दोस्तों ये जो हमारी आयरन बीम होती है इसमें दोनों एंड के ऊपर या दोनों साइड के ऊपर दो दो पेयर कॉनिकल रोलर के फिटेड होते हैं। दीज कॉनिकल रोलर्स मूव्स फ्री ऑन देयर पिन एंड बियरिंग। दोस्तों ये जो हमारे कॉनिकल रोलर्स होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं अपने पिन और बियरिंग के ऊपर। द बीम प्रेसिंग रोलर्स माउंटेड ऑन दीज कॉनिकल रोलर्स। दोस्तों जो हमारे बीम प्रेसिंग रोलर होते हैं जो हम दो नंबर होते हैं उनमें मतलब दो होते हैं जो, तो उनको हम इन कॉनिकल रोलर्स के ऊपर माउंट करते हैं। व्हेन मशीन इज इन ऑपरेशन, जब मशीन चल रही होती है, द न्यूमेटिक सिलेंडर लिफ्ट्स द प्रेशर रोलर। न्यूमेटिक सिलेंडर प्रेशर रोलर को उठा देता है। द प्रेशर रोलर टचेज द सरफेस ऑफ द बीम। तो जैसे ही हम अपने प्रेशर रोलर को उठाते हैं तो वो प्रेशर रोलर हमारे बीम सरफेस को टच करते हैं। व्हेन द एयर प्रेशर इन द न्यूमेटिक सिलेंडर इंक्रीजेज। दोस्तों जैसे ही हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर में प्रेशर इंक्रीज होता है, द प्रेशर रोलर स्टार्ट टू प्रेस द बीम। तो हमारे जो प्रेशर रोलर होते हैं वो घूमने चालू हो जाते हैं और हमारे बीम को प्रेस करने लगते हैं। द एयर प्रेशर इन द न्यूमेटिक सिलेंडर इज रेगुलेटेड बाई एयर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। दोस्तों हमें कितना प्रेशर रखना है उसके लिए एक एयर प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। द कम्पैक्टनेस ऑफ बीम इज कंट्रोल्ड बाई प्रेसिंग रोलर्स। दोस्तों हमें बीम को कितना कम्पैक्ट रखना है तो उसके लिए क्या करते हैं कि कितना प्रेशर बढ़ाना है कितना घटाना है, तो वो प्रेसिंग रोलर से ही डिसाइड होता है। इट आल्सो लेवल्स द सरफेस ऑफ द वार्प बीम। दोस्तों ये प्रेशर रोलर होता है ये हमारे वीवर्स बीम की सरफेस को बिल्कुल प्लेन भी रखता है मतलब लेवल में भी रखता है। द प्रेशर रोलर्स परफॉर्म अदर वर्क ऑफ बीम लोडिंग एंड अनलोडिंग। ये जो हमारा प्रेशर रोलर होता है वो बीम को लोडिंग और अनलोडिंग के काम में भी प्रयोग होता है। अब दोस्तों होती है ड्राइव। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू ड्राइव द मशीन। दोस्तों मशीन को ड्राइव करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। दिस मोटर ट्रांसमिट द मोशन टू द रिडक्शन गियर बॉक्स। तो इस मोटर से जो हमारी मोशन होती है रिडक्शन गियर बॉक्स में जाती है। ए वर्टिकल शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द रिडक्शन गियर बॉक्स। दोस्तों एक वर्टिकल शाफ्ट कनेक्टेड होती है हमारे रिडक्शन गियर बॉक्स से। ऑल द मूविंग पार्ट रिसीव द मोशन थ्रू दिस शाफ्ट बाय मींस ऑफ चेन स्प्रॉकेट एंड गियर्स। तो दोस्तों ये जो हमारी वर्टिकल शाफ्ट है इसी से हमारे मशीन के सारे पार्ट होते हैं जो मूविंग पार्ट होते हैं वो मोशन रिसीव करते हैं चेन स्प्रॉकेट और गियर्स की सहायता से। इन मॉडर्न साइजिंग मशीन्स सो बॉक्स ड्राइंग सिलेंडर ड्रैग रोलर्स एंड बीम आर ड्रिवन बाय इंडिविजुअल मोटर्स। दोस्तों जो आज की हमारी मशीनें आ रही हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि ना तो उसमें चेन का प्रयोग किया जाता है ना स्प्रॉकेट का प्रयोग किया जाता है मतलब ना शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। हमारे जो सो बॉक्स है ड्राइंग सिलेंडर है ड्रैग रोलर है बीम है ये सारे के सारे इंडिविजुअल मोटर से चलते हैं। दीज मोटर्स आर कंट्रोल्ड बाई इंडिविजुअल एसी ड्राइव। ये सारे के सारे जो हमारे मोटर होते हैं एसी ड्राइव से कंट्रोल होते हैं। द स्पीड ऑफ ऑल द सेक्शंस आर सिंक्रोनाइज्ड एक्यूरेटली। अब दोस्तों चूंकि जो हमारे मोटर होते हैं वो अलग अलग हैं
तो उनकी स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है, एक्यूरेटली करना पड़ता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे VIV गियर बॉक्स, व्हेन द मशीन इज ड्रिवन बाय वर्टिकल शाफ्ट, अब जब आपकी मशीन वर्टिकल शाफ्ट की सहायता से चलती है, VIV गियर बॉक्सेस आर यूज टू वेरी द स्पीड डिफरेंट सेक्शन। दोस्तों तो हम फिर क्या करते हैं कि मशीन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को या कंपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करने के लिए VIV बॉक्सेस का प्रयोग करते हैं। VIV बॉक्सेस सिंक्रोनाइज द स्पीड ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ ईच अदर। दोस्तों जो VIV बॉक्सेज होते हैं तो मशीन के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को सिंक्रोनाइज करते हैं। द शो बॉक्स, ड्राइंग सिलेंडर एंड ड्रैग रोलर्स हैव VIV बॉक्सेस टू एडजस्ट देयर स्पीड। दोस्तों शो बॉक्स के अंदर, ड्राइंग सिलेंडर के अंदर और ड्रैग रोलर के अंदर ये VIV यूज करे जाते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड का सिंक्रोनाइजेशन हो जाए हर सेक्शन का। द PIV बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ए चैन, इसके अंदर एक चैन होती है, टू पेयर ऑफ वेरिएबल डायमीटर टूथेड पुलीज, और इसके अंदर दो पेयर टूथेड पुलीज होती हैं एंड ए डायमीटर एडजस्टिंग हैंडव्हील, और इसके अंदर डायमीटर को एडजस्ट करने के लिए एक हैंडव्हील होता है। दोस्तों देखिए ये है आपका PIV, इसमें ये हैंडव्हील है, तो इससे हम अंदर के जो पुलीज होती हैं उनको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। द वन फ्लैंज्ड टूथेड पुलीज कनेक्टेड टू गियर ट्रांसमिशन सिस्टम, दोस्तों एक साइड की जो टू थर्ड पुलीज होती हैं वो ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट होती हैं, एंड अदर एंड इज कनेक्टेड थ्रू ए चैन स्प्रोकेट टू द रिसीविंग डिवाइस, और इसका जो दूसरा भाग होता है हमारे PIV का, मतलब टू थर्ड पुलीज का दूसरा भाग होता है, वो हमारे चैन और स्प्रोकेट की सहायता से रिसीविंग साइड पर कनेक्ट होता है। व्हेन द डायमीटर ऑफ ड्राइवर पुलीज इज इंक्रीज, दोस्तों जैसे ही हमारे ड्राइवर पुलीज का डायमीटर इंक्रीज होता है, द डायमीटर ऑफ ड्रिवन पुलीज रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, दोस्तों यदि आपका ड्राइवर पुलीज का डायमीटर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हैंडव्हील घुमाने से क्या होता है कि तुरंत के तुरंत ड्रिवन पुलीज का जो डायमीटर होता है वो घट जाता है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द मोशन रिसीविंग डिवाइस इज इंक्रीज, दोस्तों इससे क्या होता है कि जिस डिवाइस को आप मोशन दे रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। व्हेन द डायमीटर ऑफ ड्राइवर इज रिड्यूस्ड, अब जो हमारा ड्राइवर का डायमीटर जब रिड्यूस होता है, द स्पीड ऑफ मोशन रिसीविंग डिवाइस इज डिक्रीज, तो जो भी डिवाइस मोशन रिसीव कर रही होती है उसकी स्पीड घट जाती है। द डायमीटर एडजस्टमेंट इज अचीव्ड बाय रोटेटिंग हैंडव्हील, दोस्तों जो डायमीटर एडजस्टमेंट होता है जो ड्राइविंग पुलीज का, उसको हैंडव्हील की सहायता से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए कंट्रोल पैनल, इट इज द इलेक्ट्रिकल पैनल विच कंट्रोल्स ऑल द इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस ऑफ मशीन, दोस्तों हमारी मशीन के अंदर एक कंट्रोल पैनल होता है, वो मशीन के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। देयर आर मैनी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, रिले होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, दीज डिवाइसेस स्विच ऑन एंड ऑफ द सप्लाई अकॉर्डिंग टू सिग्नल रिसीव फ्रॉम वेरियस सेंसर लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, तो इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मशीन के सिग्नल प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार मशीन के सेक्शंस को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पीड एंड मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम, दोस्तों हमारे मशीन के अंदर ऑटोमेटिक स्पीड एंड मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम होता है। दिस सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट एंड एक्यूरेट वर्किंग ऑफ साइजिंग मशीन, दोस्तों ये जो हमारा ऑटोमेटिक स्पीड एंड मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम होता है ये मशीन को एफिशिएंटली और एक्यूरेट वर्किंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दिस सिस्टम मॉइस्चर परसेंटेज टू बी रिमेंड इन द साइज बार सीट इज फेड इन द सिस्टम, अब दोस्तों ये जो हमारा ऑटोमेटिक मॉइस्चर कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें हम क्या करते हैं कि हमें बार फीट के अंदर कितना मॉइस्चर रखना है वो हम फीड कर देते हैं। द मेन स्टीम वाल्व इज ओपनड एंड द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ड्राइंग सिलेंडर इज एडजस्टेड मैनुअली, अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि हम स्टीम का मेन वाल्व ओपन कर देते हैं और इसके बाद में हम सारे सिलेंडर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। व्हेन द मशीन रनिंग कंटिन्यूसली, जब हमारी मशीन कंटिन्यूसली रन कर रही होती है, द स्पीड ऑफ मशीन वेरीज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर परसेंटेज फिक्स्ड इन द सिस्टम, अब दोस्तों क्या होता है
कि जो हमारी मशीन की स्पीड होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर परसेंटेज सेट इन द पैनल। द मशीन स्पीड इज लोअर टू कीप मॉइस्चर परसेंटेज कॉन्स्टेंट। दोस्तों यदि हमारे वाल्व फीड के अंदर क्या हो रहा है, मॉइस्चर बढ़ रहा होता है तो मशीन की स्पीड घट जाती है। व्हेन द स्टीम प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जब स्टीम का प्रेशर रिड्यूस होता है। व्हेन द स्टीम प्रेशर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ मशीन आल्सो इंक्रीजेज टू कीप द मॉइस्चर परसेंटेज कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये सारा का सारा सिस्टम होता है ऑटोमेटिकली वर्क करता है, कब आपका स्टीम का वाल्व खुलना है, कब आपका स्पीड बढ़नी है, साइमल्टेनियसली होता रहता है, सारा सिंक्रोनाइज सिस्टम होता है। अब दोस्तों देखिए, एक होता है आपका लेंथ मेजरिंग सिस्टम, द मशीन इज इक्विप्ड विद डिजिटल लेंथ मेजरिंग मीटर। दोस्तों मशीन के अंदर एक लेंथ मेजरिंग मीटर होता है। ए मेटालिक पिन इज माउंटेड ऑन द फ्लैंज ऑफ प्रेशर रोलर ऑफ द हेडस्टॉक। दोस्तों जो हेडस्टॉक का प्रेशर रोलर होता है उसके ऊपर एक मेटालिक पिन लगी होती है। दिस पिन पासेज जस्ट फ्रंट ऑफ द प्रॉक्सिमिटी सेंसर ड्यूरिंग इज रोटेशन। तो ये जो पिन होती है वो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के सामने से गुजरती है, हर बार रोटेशन के बाद में उस प्रॉक्सिमिटी सेंसर से पिन का आमना सामना होता है। दस प्रॉक्सिमिटी सेंसर सेंड द सिग्नल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच रोटेशन ऑफ प्रेशर रोलर टू डिजिटल मीटर। तो दोस्तों जैसे ही हमारी पिन प्रॉक्सिमिटी के सामने से गुजरती है तो हर बार वो सिग्नल भेजती है डिजिटल मीटर को। द डायमीटर ऑफ प्रेशर रोलर इज फेड इन टू द डिजिटल मीटर। जो हमारा प्रेशर रोलर होता है उसका डायमीटर हम डिजिटल मीटर में फेड कर देते हैं। द डिजिटल मीटर कन्वर्ट द रोटेशन इनटू द मीटर्स। अब दोस्तों हमने डायमीटर फिट कर दिया तो हमारा डिजिटल मीटर क्या करता है कि रोटेशन को वो मीटर में कन्वर्ट कर देता है। द रिक्वायर्ड बार्प लेंथ कैन आल्सो बी फेड इनटू द मीटर। दोस्तों हम डिजिटल मीटर के अंदर रिक्वायर्ड बार्प लेंथ भी फिट कर सकते हैं। व्हेन रिक्वायर्ड बार्प लेंथ रीचेस टू कंप्लीशन, जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड बार्प लेंथ होती है वो कंप्लीशन पे पहुंचती है, द मशीन स्टॉप ऑटोमेटिकली, आपकी मशीन है ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। द ऑपरेटर कट्स द बीम एंड रिप्लेसेज इट बाय न्यू बीम। और हमारा ऑपरेटर क्या करता है कि बीम को काट देता है वहां से, इसके बाद में उस पर नया बीम लगा देता है। अब दोस्तों एक आता है स्ट्रेच कंट्रोल सिस्टम। तो दोस्तों देखिए, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ डिलीवर्ड लेंथ एंड फीडिंग लेंथ टू फीडिंग लेंथ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड स्ट्रेच परसेंटेज। दोस्तों स्ट्रेच परसेंटेज क्या होता है कि हमने बार्प की कितनी लेंथ फीड करी और कितनी लेंथ आपको प्राप्त हुई, तो जो लेंथ डिलीवर्ड होती है उसमें से हम फीड लेंथ घटा देते हैं, फिर उसके बाद में हम फीड लेंथ से भाग दे देते हैं तो हमारा स्ट्रेच परसेंटेज आ जाता है। द स्ट्रेच परसेंटेज ऑलवेज अपीयर इन द डिस्प्ले ऑफ कंट्रोल पैनल। दोस्तों ये जो स्ट्रेच परसेंटेज होता है वो आपके डिस्प्ले पैनल में दिखता रहता है। इट रेंजेज बिटवीन 1-2%। दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रेच परसेंटेज होता है वो 1-2% तक होता है। इफ इट इज नॉट रेंजिंग बिटवीन दिस लिमिट, यदि आपका स्ट्रेच परसेंटेज 1-2% के बीच में नहीं है, द टेंशन बिटवीन शो बॉक्स एंड ड्राइंग सिलेंडर, टेंशन बिटवीन ड्राइंग सिलेंडर एंड ड्रैग रोलर आर एडजस्टेड। दोस्तों यदि आपका जो स्ट्रेच परसेंटेज सही नहीं आ रहा है तो फिर हम टेंशन एडजस्ट करते हैं। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, देखिए शो बॉक्स और ड्राइंग सिलेंडर के बीच में, और ड्राइंग सिलेंडर एंड ड्रैग रोलर के बीच में टेंशन को एडजस्ट किया जाता है। अब दोस्तों देखिए कुकिंग यूनिट। तो दोस्तों देखिए हमने पिक्चर भी दिखाई हुई है आपको, ये हमारा कुकर है तो इस पे हम अपना साइजिंग लिक्विड तैयार करते हैं। अब दोस्तों देखिए, दिस इज ए वेसल इन विच द साइजिंग लिक्विड इज कुक्ड। ये एक वेसल होता है, कुकर टाइप का होता है, इसके अंदर साइजिंग लिक्विड को कुक किया जाता है। दिस इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इज कैपेबल टू बियर हाई प्रेशर। दोस्तों ये स्टेनलेस स्टील से बना होता है और ये बहुत हाई प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है। ए स्ट्रायर इज फिटेड इन द बॉटम ऑफ दिस वेसल। इसके अंदर एक स्ट्रायर फिटेड होता है तली में। दिस स्ट्रायर रिवॉल्व्स विद हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो स्ट्रायर होता है वो एक गियर बॉक्स और इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से रोटेट करता रहता है। एंड एयर टाइट डोर इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ वेसल। दोस्तों
इस वेसल के ऊपर एक एयरटाइट डोर माउंट होता है विच इज यूज टू ड्रॉप द साइजिंग इंग्रेडिएंट्स इनटू दिस वेसल। दोस्तों ये जो हमारा एयरटाइट डोर होता है तो इसका प्रयोग क्या होता है कि इसके द्वारा हम साइजिंग इंग्रेडिएंट्स को वेसल के अंदर डालते हैं। ए वाटर सप्लाई पाइप इज फिटेड इन दिस कुकिंग वेसल टू सप्लाई द वाटर इन द वेसल। दोस्तों इसके अंदर एक वाटर सप्लाई की लाइन भी जाती है, इससे हम अपने कुकिंग वेसल में पानी भी भर सकें। ए स्टीम लाइन इज यूज टू मेंटेन द टेम्परेचर इन द वेसल। दोस्तों ये कुकिंग वेसल के अंदर एक स्टीम की लाइन दी जाती है। ए टेम्परेचर मीटर एंड प्रेशर गेज आर फिटेड इन दिस कुकिंग वेसल टू रीड द टेम्परेचर एंड कुकिंग प्रेशर। दोस्तों क्या करते हैं कि हमारी जो कुकिंग वेसल होती है उसके ऊपर एक टेम्परेचर मीटर माउंट होता है, एक प्रेशर गेज माउंट होता है, तो उससे हम कुकिंग के टाइम पर टेम्परेचर और प्रेशर रीड कर सकें। नॉर्मली द वॉल्यूम ऑफ कुकिंग वेसल इज 1000 लीटर्स। दोस्तों ये जो कुकिंग वेसल होता है इसका जो कैपेसिटी होता है वो 1000 लीटर तक होता है, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होता है। 1 inch हाइट ऑफ कुकिंग वेसल कंटेन 20 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्वर। दोस्तों कुकिंग वेसल की 1 inch में 20 लीटर तक पानी आ जाता है। अब दोस्तों देखिए लिक्वर स्टोरेज। ए लिक्वर स्टोरेज वेसल इज यूज टू स्टोर द कुक्ड लिक्वर। ये आपका जो लिक्वर स्टोरेज है तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपको साइजिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, आपके पास में बहुत ज़्यादा लूमन लगी हुई हैं और आपको मशीन बंद करके आपको साइजिंग लिक्वर कुक नहीं करना है। तो क्या करते हैं कि हमने एक बार साइजिंग लिक्वर को कुक किया और इस स्टोरेज में ट्रांसफ़र कर दिया लिक्वर को, उसके बाद में फिर हम दोबारा से साइजिंग का जो कुकिंग वेसल है उसमें फिर से हम कुकिंग चालू कर देते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। ए स्टायरर इज फिटेड टू द वेसल टू स्टायर द लिक्वर। दोस्तों इस लिक्वर स्टोरेज के ऊपर भी एक स्टायरर लगा होता है, उसके अंदर मोटर भी होती है और उसके अंदर एक गियरबॉक्स भी होता है, तो वो हमेशा घूमता रहता है। स्टीम सप्लाई मेंटेन द लिक्वर टेम्परेचर। दोस्तों एक स्टीम सप्लाई भी लगी होती है जो हमारे साइजिंग लिक्वर का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। तो दोस्तों देखिए ये दिखाया हुआ है मैंने आपको। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि जो हमारा साइजिंग होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी वर्किंग क्या होती है, कौन कौन से पार्ट की क्या क्या वर्किंग होती है और कैसे काम करती है साइजिंग मशीन। तो दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक का बटन दबाएँ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।